वो कांग्रेस का वसीम सैयद, उसका क्या दोष है? उसके ऊपर गुनाह है क्या? जिसके ऊपर गुनाह नहीं उसके ऊपर 144 का लग कैसा सकता है? वसीम भाई, पुलिस की तरफ से आपको नोटिस दिया गया है, क्या वजह रही जो आपको नोटिस दी गई, क्या कारण? 144-2 की नोटिस है मुझको शहर से 5 दिन के लिए तड़ीपार कर दिया गया है। मैं वसीम सैयद हूँ। मैं एक जिम्मेदार राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस का अल्पसंख्यक समाज यानी माइनॉरिटी का थाना प्रेसिडेंट, मैं जिला प्रेसिडेंट होते हुए भी मुझको जो है वो बीजेपी वालों ने एक जुल्म की इंतहा करते हुए मुझको मेरे घर से दूर करने के लिए 5 दिन के लिए नोटिस दे दिया, मुझको तड़ीपार कर दिया 5 दिनों के लिए शहर से। मैं यहाँ पर जो है वो अपने अधिकृत जो उम्मीदवार है उनके लिए कैंपेनिंग करने के लिए यहाँ पर घूम रहा हूँ। मैंने ना ही किसी के खिलाफ कोई बात कही है, जो मेरा मत है मैं वो मान रहा था, जो मेरा अधिकार है मैं वो पूरा कर रहा था। लेकिन ये जो हुकुमशाही है, ये जो जुल्म है, ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं। मोर्चे से थाना जिला के अध्यक्ष के ऊपर जब ऐसी कार्रवाई की जा सके, सोचो आम आदमी के साथ क्या होगा। तो ये एक जुल्म है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 14 तारीख को ये नोटिस इशू की गई है, आज 16 तारीख है, मुझको 15 से लेकर 19 तारीख तक के लिए तड़ीपार कर दिया गया है। मेरे लिए कोई मेरे ऊपर कोई केसेस नहीं है, लेकिन सिर्फ इसके लिए कि मैं इंडिया अलायंस के लिए यहाँ पे प्रचार कर रहा था, तो मेरी आवाज को दबाने के लिए मुझको शहर से तड़ीपार कर दिया गया। कोई वजह नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे तो जो वजह लिख रहे हैं वो तो आप देखिए, इलेक्शन के टाइम के ऊपर ये बता रहे हैं कि मेरी वजह से जो है वो यहाँ के नागरिकों से जीविता से और मालमत्ती से धोखा पहुंचू, इसकी खातरी हो गई उनको ACP साहब को। ऐसी क्या मैंने कर दिया इसके? मेरे ऊपर कोई केस ही नहीं है। एक केस है बहुत छोटा सा, वो भी मेरे ऊपर झूठा केस दाखिल हुआ हुआ है। उसकी मेरी दोपहर में मैंने ऑलरेडी NC किया हुआ था, और उसके बाद मेरे को मेरे घर वालों से दूर कर दिया जा रहा है। अभी आपको देर में मिली है तो क्या लग रहा है आपको? पूरी तरीके से ट्रैप किया गया। ये जानबूझ करके इंडिया अलायंस के उम्मीदवार जो ज्यादा से ज्यादा जीत रहे, वो मुहिम को तोड़ने की तैयारी है। मैं इसका खंडन करता हूं और मैं ये लड़ाई लड़ूंगा। राहुल जी ने कहा है डरो मत, लड़ो, और मैं लड़ूंगा। नहीं, मुमरा पुलिस के हाथ में मैं कहां जाऊंगा? मेरा घर यहीं पे, मैं कहां जाऊंगा? और अगर मैं जाऊंगा तो मेरे खर्चे कौन देगा? ये कौन सी बात होगी? हाँ, तो अगर नहीं जाऊंगा तो मेरे को क्या करेंगे? अभी मैं उसके ऊपर कानूनी क्या कार्रवाई हो सकती है वो देख रहा हूँ। मैं यहाँ से फिलहाल शहर छोड़ने की पूरी तैयारी कर रहा हूँ, यहाँ से निकलूँ, मेरे घर वालों को बता के निकलूँ, वो परेशान हो जाएंगे। लेकिन मैं इस चीज़ से डरने वाला हूँ नहीं। मैं जो सॉल्यूशन होगा मैं उसको सुबह कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन करूँ। कल जुमा भी है, मैं कोशिश करूँगा क्या कर सकता हूँ, मैं देखता हूँ।